टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें कि मुमरा कौसा में स्कूल की फीस माफ़ को लेकर जो है अब राजनीतिक पार्टियां भी आगे आ रही हैं। जिस तरह से कलवा मुमरा के एनसीपी के अध्यक्ष शमीम खान, उन्होंने भी कहा था कि वो अपने मंत्री से बात करेंगे, एजुकेशन मिनिस्टर वर्षा गायकवाड़ से मुलाकात करेंगे कि फ़ीस माफ़ किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं MIM पार्टी के जो अशरफ चौधरी हैं वो एजुकेशन मिनिस्टर वर्षा गायकवाड़ से मुलाकात किए हैं और लेटर भी उन्हें दिए हैं कि स्कूलों की फ़ीस माफ़ किया जाए। हमारे साथ यहाँ पर अशरफ चौधरी मौजूद है, हम उन्हीं से बात करते हैं कि आखिर लेटर में इन्होंने क्या क्या मांग की है। हम उन्हीं से पूछते हैं क्या क्या आपने एजुकेशन मिनिस्टर से मांग की है, कितने महीने की जो है फीस माफ़ की जाए। सर, मैं पिछले 1 वीक से मैडम ने टाइम ले रहा था, कल अलहमदिल्ला उन्होंने टाइम दिया हमको और बहुत तफसील से बात हुई मुमरा कौसा के स्कूलों को लेकर के, एजुकेशन के मामले को लेकर के। तो मैं ये जो लेटर दिया मैडम को, इसमें मैं पूरा लिखा हूँ और उन्होंने ये मांग है मेरी कि मैडम किसी भी तरह से ये 5 से 6 महीने का जो फीस है बच्चों का, लॉकडाउन का जो पीरियड गया हुआ है, वो माफ़ की जाए। तो क्या उनके तरफ से क्या आपको आश्वासन दिया गया है? उनके तरफ से मुझे यही आश्वासन दिया गया है कि ये जो मैटर है ये सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है और जल्द ही जजमेंट वहाँ से कुछ आ जाएगा, तो उसके हिसाब से कुछ निर्णय ली जाएगी। इसके अलावा आप मुमरा कौसा के जो स्कूल है उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से फीस को लेकर लोग काफ़ी परेशान हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? मैं स्कूल के मैनेजमेंट और स्कूल के ऑनर और उनके जो स्टाफ है सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मुमरा कौसा माइनॉरिटी इलाका है, मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, आपने इसके पहले बहुत पैसा कमाया मुमरा वालों से तो कम से कम जो लॉकडाउन का पीरियड है, लोग काम धंधे से महरूम हो गए, कहीं गए नहीं, आना जाना हुआ नहीं, तो फिलहाल आप एक सपोर्ट के हिसाब से आप 5-6 महीने खुद ही फीस अगर माफ़ कर देंगे तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। मेरी ये रिक्वेस्ट है उन लोगों से और ये लेटर मैं तमाम स्कूलों को दूंगा, उनके प्रिंसिपल को दूंगा, ये लेटर इंशाल्लाह बहुत ही जल्द सबके पास पहुंच जाएगा। अच्छा, मुमरा कौसा के जो स्कूल है उनको ये लेटर देंगे क्या आप? किसकी साइन है इस पे? ये वहाँ के उनके PA की साइन है, ये एजुकेशन मिनिस्टर की, और उन्होंने मुझे खुद कहा है कि ये लेटर आप तमाम स्कूलों को दे दो, जैसा जजमेंट आएगा सुप्रीम कोर्ट से वैसा उसके हिसाब से काम की जाएगी। तो आपने सुना कि जिस तरह से अशरफ चौधरी ने बताया कि उन्होंने जो है एजुकेशन मिनिस्टर वर्षा गायकवाड़ से मुलाकात की है, हालांकि उनके तरफ से इन्हें आश्वासन दिया गया है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट से जो जजमेंट आता है उसके बाद ही उस हिसाब से फिर आगे कदम बढ़ाया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो है मुमरा कौसा में स्कूलों की फ़ीस माफ़ करने को लेकर अब हलचल तेज़ होते नज़र आ रही है। तमाम राजनीतिक पार्टियाँ भी अपने अपने हिसाब से इस पर अब आगे कदम बढ़ा रही हैं। कैमरामैन हुसैन के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।